नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। अभी आप अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो ये पूरा कैसा स्नो हुआ पड़ा है। तो आज सुबह में जब मेरी नींद खुली, मैं अपने विंडो से बाहर देखा कि पूरा बाहर पूरा वाइट दिख रहा है। तो मैं समझ गया कि आज स्नो पड़ा है। तो चूँकि स्नो पड़ा है, एक अलग ही व्यू है आज। तो हम लोग सोच रहे हैं कि चलते हैं, एक पार्क है बगल में, मैं अपने पुराने वीडियोस में भी दिखाया हूँ, तो वहाँ वॉक करते हुए जाएंगे। और मेरी पत्नी जी बोल रही हैं कि उन्हें कुछ फ़ोटो क्लिक करवाने हैं, तो इसीलिए बोले कि चलिए कहीं बाहर जहाँ पे पूरा एकदम वाइट दिखे, वहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट करेंगे। तो वहीं हम जा रहे हैं वॉक करके। तो मैं सोचा चलिए जब हम बाहर निकले ही हैं तो आप लोगों को भी दिखा दूँ कि आज का ये कैसा दिख रहा है सब माहौल। तो आज मैं सोसाइटी के अंदर नहीं रहूँगा, आज सोसाइटी से बाहर जाऊँगा। सोसाइटी के बाहर पार्क वगैरह है, लेक है, वहीं पे आज हम लोग वॉक करेंगे। तो उसी के साथ साथ आपको मैं अपना पूरा ये नज़ारा वगैरह भी दिखाऊँगा। देख रहे थे कि इस वॉक पाथ पे आइस पड़ा हुआ था, स्नो पड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे साफ है। तो मुझे लगता है कि जो घर वाले लोग होंगे वो आए होंगे, इधर वॉक कर रहे होंगे, तो इन्होंने साफ किया होगा या कुछ, तो किसी ने तो साफ किया है और इसका पूरा साफ हुआ दिख रहा है। ये देखिए कैसा लग रहा है, ये देखिए वहाँ पे। अभी चलिए मैं आपको लेक के पास चलता हूँ। अरे कितना अंदर है, अरे देखिए कितना पड़ा है, देख रहे हैं। ये देखिए जो पॉन्ड है उस पर कैसे स्नो जमा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। मैं थोड़ा सा और नज़दीक ले जाके दिखाऊंगा आपको। देखिए ये पूरा पॉन्ड का पार्ट है, और ये देखिए कैसे पूरा ऊपर आइस जमा हुआ है और उसके ऊपर स्नो है। तो जो स्नो पिघल गया है वो आइस बन गया है, अदरवाइज बाकी सब स्नो है। इस वाले पार्क में आपको पता है कि मैं जनरली आता हूँ, इधर खाली है, ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोग तो थोड़ा लेट हो गए हैं, काफ़ी लोग इधर पे आए हैं, घूमे हैं, पूरा इंजॉय किए हैं। हाँ डॉग्स भी लेके आए हैं, ये कितना प्यारा कुत्ता का निशान। ये डॉग भी मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे स्नो में। यहाँ पे मुझे लगता है कि लोग साइकिलिंग, पता नहीं शायद साइकिलिंग किए हैं क्या, ये साइकिलिंग का निशान लग रहा है, या फिर शायद ये जो पैर से जो साइकिलिंग यहाँ पे करते हैं स्केटिंग टाइप का होता है वो वाला किए होंगे। कुत्ते के पैर का निशान देखिए, अभी भी थोड़ा स्नो पड़ रहा है और काफ़ी सही लग रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि मैं पूरा अपना कपड़े वगैरह पहन के आया हूँ, फिर भी ठंड लग रही है। तो यहाँ पे काफ़ी स्नो होने के बाद थोड़ा सा ठंड बढ़ जाती है। फिर से सेम गेम क्या कर रही है? मैं हार्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं मेरे से बन पाएगा कि नहीं। हार्ट स्नो हार्ट। हाँ। स्नो हार्ट कैसे बनेगा? तो यहाँ पे देखिए जब भी स्नोफॉल होता है
ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो स्नो से छोटी छोटी आकृतियाँ बनाते हैं। जनरली यहाँ पे स्नोमैन लोग बनाते हैं, लेकिन हम लोग हैं भारतीय तो हम कुछ अलग टाइप का ही कुछ ट्राई करते हैं। हमें कुछ आता ही नहीं बनाना। चलिए ये जब तक बनाती है तब तक मैं और आपका नज़ारा दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं कितना पूरा एकदम, ये जो पहले ब्राउन ग्रीन दिखता था वह पूरा वाइट दिख रहा है, सब पूरा वाइट। कहीं भी आपको ना ही काला दिख रहा है ना ब्राउन, सब जगह सिर्फ वाइट वाइट। आइए, मेरी पत्नी अब साफ सफाई करना स्टार्ट कर दी, इनको आदत है। सारा कूड़ा यही है, काफी सही नजारा है यार। मतलब थोड़ा सा ऑफिस के काम से फुर्सत मिले तो ऐसे, और स्नो पड़ रहा है तो आइए पार्क में घूमिए। एक अलग ही सुकून है, एक अलग ही शांति है इस जगह पे। मेरी वाइफ के पास बूट है तो देखिए वो कैसे ना मस्त स्नो में घूम रही हैं बिना कोई ठंड के। इसमें कोई अंदर अंदर कुछ ठंड लग रहा है क्या? अंदर बूट के अंदर ठंड लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठंड नहीं लग रही। हाँ तो ठंड कम होती है। अच्छा, वो एंजॉय कर सकते हैं ऐसी ठंड होती है। ठंड जैसा कुछ नहीं, हमने तो बस ये गेटअप बना रखा है कि स्नो की फोटो अच्छी आए बस। अच्छा, इसलिए आपने ये सब पहना है? हाँ, बस ये ग्लव्स, ये टोपी वगैरह सब वो स्नो गेटअप, स्नो फोटो शूट गेटअप रही है बस। अच्छा, ठंड वाली नहीं। ये देखिए ये रोड पे जो आइस पड़ा है ये पिघल रहा है और ये थोड़ा थोड़ा पानी टाइप का हो गया है, तो इसमें अगर आप चलते हैं तो आपका जूते वगैरह गीला हो सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए ये एकदम बोल सकते हैं जो हमारे यहाँ रुई होता है वैसा है बिल्कुल भी। अगर आप लोगों ने तो डस्टबिन है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, गए होंगे कभी भारत में मनाली वगैरह, शिमला वगैरह, वहाँ का जो स्नोफॉल है बिल्कुल वैसा ही है। बट ये प्लेन्स है, वहाँ वो पहाड़ों पर मिलता है हिमालय के तरफ, क्योंकि वहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई पे है इसलिए वहाँ पे स्नोफॉल होता है। यहाँ पे स्नोफॉल होता है इसलिए क्योंकि ये काइंड ऑफ ए नॉर्थ पोल की तरफ काफ़ी ज़्यादा है उस साइड में, इसलिए इधर उस कारण से स्नोफॉल होता है। बट ये पूरा आप देख सकते हैं कहीं भी पहाड़ वगैरह कुछ नहीं है, ये सारा प्लेन्स है। ये देखिए यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था पूरा मिट्टी था ब्लैक ब्लैक, लेकिन अभी देखिए पूरा आइस पड़ा हुआ है। ये पार्क पूरा अभी स्नो से ढक चुका है। मेरी पत्नी साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर दी फिर से, ये सारा स्नो हटा देती हैं। आहा आहा। पूरा अंदर जैकेट के अंदर घुस गया। गिर जेबू दौड़ के दौड़ू गिर जेबू। इसका भी साफ सफाई कर दीजिए पत्नी जी, इसको भी अब रोड साफ सफाई करेंगी, रोड साफ करेंगी आप, रोड अब रोड साफ करेंगी मेरी पत्नी। नाइस। जय बजरंग बली, छोड़ दे दुश्मन की। नहीं तो अभी आप देख रहे हैं कि ये पूरा स्नो पड़ा हुआ है, आइस बेसिकली। तो हम लोग आप लोग मैंने दिखाया कि कैसे हम लोग खेल रहे थे, तो यहाँ पे काफ़ी मस्त मज़ा आया खेलने में,
फर्स्ट टाइम मैं एक्चुअली में स्नो से खेल रहा हूँ। इसके पहले शायद मैंने ओली में खेला था। और मैं भी। आप तो पहली बार, आप तो पहली बार यहाँ पे देखी ना स्नो? मैं तो देख चुका था भारत में, ओली में, फिर मसूरी में मैं देख चुका था, बट आरती फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख रही हैं। इनको काफ़ी मज़ा आ रहा है। अब हम लोग वो झूले वाले पार्क में जाएंगे। ये है रास्ता। ये झूले झूले पे पूरा देखिए स्नो पड़ा हुआ, देख रहे हैं? देखिए राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, झूलाऊंगी। हाँ ऐसे ही झूलाऊंगी मैं। हाँ, हाँ। चलिए चलते हैं। तो इस पार्क में हम काफी देर खेले, थोड़ा सा रील वगैरह बनाए और अब हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ पूरा गोल घूमते हुए। ये देखिए यहाँ पे जब स्नो पड़ता है तो ये पत्तों पे पूरा ये पड़ जाता है। ये काइंड ऑफ ए क्रिसमस ट्री टाइप का कुछ है और उसमें देखिए कैसे पड़ा हुआ है। इसके पत्ते कभी भी झड़ते नहीं हैं। देखिए सारे बाकी सारे पेड़ झड़ चुके हैं लेकिन इसके पत्ते अभी भी वैसा ही है। ये देखिए कैसे इस पर स्नो जमा हुआ है। अब तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर से जब हम आए थे उस समय इतना स्नो नहीं था, अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया है स्नो। जहाँ अपना नज़र घुमाइएगा आपको बस स्नो स्नो वाइट वाइट दिखेगा। देखिए ये पगडंडी टाइप का था, कच्चा रास्ता टाइप का, ये देखिए पूरा स्नो से भर गया है। ये गाड़ियों के ऊपर भी स्नो जमा हुआ है। दो गाड़ियां चल रही हैं बट इसके ऊपर स्नो जमा हुआ है। आज सैटरडे है इसलिए ज़्यादा गाड़ियां चल नहीं रही हैं और सुबह से ही स्नो पड़ा है, तभी मुझे लगता है घर लोग घर में आराम कर रहे होंगे। ये देखिए ये पूरा गूस का झुंड यहाँ पे, ये भी स्नोफॉल का मज़ा लेते हुए। देखिए कितना ये लोग मस्ती से ये लोग स्नोफॉल का मजा ले रहे हैं। राइट, चिल्ला रहा है, डांट रहा है। तभी हम लोग वीडियो बना रहे थे, आगे बढ़े हम लोग वीडियो बनाते हुए, पता चला मेरी वाइफ को कि उसका उसके पॉकेट में उसका दूसरा फोन है ही नहीं। तो इसको लगा कि मजाक कर रही है, ये साथ मेरे पास है, मतलब मेरे पास तो नहीं है। इसका पूरा मुंह सूख गया था। फिर हम भागे भागे आए, ये बोल रहे थे कि जहाँ मैं ये गिरी थी खेलते खेलते वहीं पे फ़ोन गिरा होगा। आके देखे कि वहीं पे फ़ोन था, लकली मिल गया फ़ोन, नहीं तो आज 10-12 हज़ार का चूना लग गया होता। तो यहाँ कम लोग होने का एक और अच्छा फ़ायदा है कि कहीं कुछ गिरा है तो वो अगर आप जाते उसी रास्ते तो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई ले कर चला जाए। तो ये अच्छी बात है। तो ये था आज का हाईलाइट कि फ़ोन गिर गया और फिर फ़ोन मिल भी गया। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा डिफरेंट जगह पे मैंने आपको स्नो का नज़ारा दिखाया। मैंने चाहता था कि सेम सोसाइटी में ही आपको घुमाऊं और आप शायद बोर हो जाएं। तो आज देखा होगा कि यहाँ पे आज कुछ बल्कि आज ज़्यादा बर्फ़ पड़ा है, आज ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।